Hello and welcome everyone to our channel Z2I Tutorials. For those who are new, I am Salman Ahmed and I did my M.Tech from IIT Dhanbad and I have more than 6 years of experience. In the last lecture, we did questions on the proof of irrational numbers. हमने देखा था कि अगर irrational number दिया हुआ है like root 2, root 3, root 2 plus root 5, 2 plus root 5, 3 minus root 7, तो इनको proof कैसे किया जाए वो हमने last lecture में देखा था, लास्ट टू लेक्चर्स में. आज क्या है, आज हमें करना है क्या है कि हमने जो ऑलरेडी SCF पढ़ा हुआ है, SCF निकालते हैं जो किससे, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से. अब हमें करना क्या है कि हमें उस SCF को लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. जो भी दो नंबर का SCF आएगा उस SCF को एक्सप्रेस करना है एज ए लीनियर कम्बिनेशन. लीनियर कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि लीनियर कम्बिनेशन, फॉर एग्जाम्पल 4x plus 5, the combination is linear. Linear क्यों है, क्योंकि the degree of this expression is 1. या और you can say 4x plus 5y. ये भी जो expression मेरा है वो भी linear है, because यहाँ पर दो variable हैं x और y और दोनों के power कितने हैं, 1, मतलब degree 1 है. तो अब हमें करना क्या है कि SCF को हमें इसी form में convert करना है. ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे अपने हम पहले क्वेश्चन से. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द SCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117. अब यहां पर क्या है, हम मैंने पहले बोला था कि हम SCF को एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन यहां पर ऑलरेडी इसने क्या बोला कि दो नंबर का SCF जो है, SCF जो है वो इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया गया है. अगर उन दोनों का SCF इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m. m कोई नंबर है, उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे. तो सबसे पहली बात कि उस SCF एक्सप्रेस किया गया है, SCF है क्या, तो पहले हम लोग उस दो नंबर का SCF फाइंड करेंगे. कैसे करते हैं, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. यहाँ पर क्या है, 117 इज ग्रेटर दैन 65, तो इसको हम डिवाइड करते हैं यूजिंग यूक्लिड्स. क्या होगा, 65 117, कितने बार बन जाएगा, 1 टाइम्स क्या आएगा, 52, देन अगेन 65, 1 टाइम्स 13, देन अगेन 52, 4 टाइम्स 52, 0. ये हमने ऑलरेडी SCF में स्टार्टिंग कर लिया है कि इस तरह से करके हम लोग तब तक करते हैं जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए. जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 होता है, इन दैट स्टेप द डिवाइजर विल बी द SCF. तो हमारा जो SCF आया वो क्या आ गया, SCF क्या आया हमारा, 13 आ गया. अब क्या करेंगे हम, इसे हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखेंगे. कैसे होता है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. क्या होता है, a इक्वल टू bq प्लस r. ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, डिविडेंड दैट इज 117 इक्वल टू डिवाइजर दैट इज 65 इंटू क्वेश्चन दैट इज 1 और प्लस रिमाइंडर 52. ये पहला स्टेप हो गया. सेकेंड स्टेप में, पहले स्टेप में रिमाइंडर 0 नहीं आया है, इसलिए हमने अब क्या हो गया, जो हमारा डिवाइजर था अब वो बन गया डिविडेंड. ठीक है, जो हमारा डिवाइजर था वो अब बन गया डिविडेंड. तो अब क्या होगा, 65 इक्वल टू 52 इंटू 1 प्लस 13. सेकेंड स्टेप हुआ, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं था इसलिए हमने फिर से डिवाइड किया. तो अब क्या हो गया, 52 बन गया डिविडेंड एंड 13 विल बी डिवाइजर इंटू 4 और प्लस रिमाइंडर अब आ गया हमारा 0. और इस स्टेप में रिमाइंडर 0 है, इस स्टेप का डिवाइजर क्या होगा, वो हमारा SCF हो जाएगा. तो हमें क्या मिल गया, SCF ऑफ बोथ नंबर्स दैट इज 65 एंड 117 विल बी 13. सो 13 विल बी द SCF ऑफ द गिवन टू नंबर्स. अब हमें SCF मिल गया है, अब क्वेश्चन में क्या गया वो देखते हैं. क्वेश्चन में कहा था दैट द SCF ऑफ द टू SCF ऑफ द नंबर्स इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, दिस इज द लीनियर इक्वेशन. तो जो SCF था वो SCF इस इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है. इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि जो हमारा SCF था वो किसके इक्वल आएगा, इस फॉर्म में, तो 65m माइनस 100
17 के फॉर्म में है, सिंपल सी बात है। और SCF की वैल्यू क्या आई है, वो आई है 13, तो क्या हो जाएगा 13 इज इक्वल टू 65m माइनस 117। अभी एक सिंपल सा लीनियर इक्वेशन बना हुआ है जो कि हमें सिर्फ सॉल्व करना है, तो सिंपल है वो, क्या करेंगे m को फाइंड करना है, लेट्स सॉल्व इट। क्या होगा, m इज इक्वल टू 13 प्लस 117 डिवाइड बाई 65, ये कितना आएगा 130 डिवाइड बाय 65, दैट विल बी 2। देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 इज आवर आंसर। तो सिंपल था, बस इस क्वेश्चन में क्या था कि SCF जो है इस फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे फाइंड नहीं करना है। जब इस फॉर्म में दिया हुआ है तो पहले SCF निकाल लेते हैं और उसके बाद इस फॉर्म में रख दिया जाए। तो हमने इसका किया, SCF को इस फॉर्म में रख दिया और इसे सॉल्व कर कर m की वैल्यू निकाल लिया। ये सिंपल क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आई थिंक 2019 में, ये क्वेश्चन 19 या 18 में क्वेश्चन ये आया हुआ है बोर्ड में, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे इस इक्वेशन को निकालने की कोशिश करेंगे, ये सिंपल क्वेश्चन था। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द SCF ऑफ 210 एंड 55 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस वन। तो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन की तरह एग्जैक्टली सेम है, एक बार ट्राई करके देखते हैं हम लोग। पहले क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट वी विल फाइंड SCF ऑफ 210 एंड 55। द ग्रेटर नंबर इज 210, therefore the dividend will be 210 and the divisor will be 55. तो पहले हम लोग इसको डिवाइड करके इससे फाइंड करते हैं, क्या करेंगे 55 210, कितने बार बन जाएगा ये 3 times 165, then 45, then again 1 times 45, then 10, 45, 4, 5, 10, ये होगा इस तरह से डिवीजन से हमारा, ठीक है। अब हमें यहाँ से मालूम चल गया कि हमारा जो डिवाइजर था वो क्या आ गया 5, किस केस में, जिस स्टेप में रिमाइंडर मेरा 0 आया था। तो सिंपल से केस है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होगा उसको यहाँ पर अपने हम जो भी एल्गोरिथम होता है ना यूक्लिड डिवीजन लेमा का, उसको यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिख लेंगे। स्टेप बाय स्टेप, पहले स्टेप में क्या होगा 210 इक्वल टू 55 इंटू 3 प्लस 45, नेक्स्ट स्टेप 55 इक्वल टू 45 इंटू 1 प्लस 10, नेक्स्ट स्टेप 45 इक्वल टू 10 इंटू 4 प्लस 5, एंड नेक्स्ट स्टेप 10 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0। सो इस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आया है, उस स्टेप का डिवाइजर जो होगा वो क्या होगा SCF हो जाएगा। सो SCF ऑफ 210 एंड 55 विल बी 5। नाउ इन द गिवन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट द SCF इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे उस SCF को इस फॉर्म में लिख दिया जाएगा। तो क्या होगा SCF इज इक्वल टू 210 into 5 plus 55y। अब तो सिंपल हो गया, एक सिंपल सा इक्वेशन बन गया है, SCF की वैल्यू 5 है, यहाँ हम लोग पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 210 into 5 प्लस 55y। y को सॉल्व करना, इसको ले जाकर ले जाएंगे उस साइड, क्या होगा 5 इज इक्वल टू, ये कितना है 1050 प्लस 55, उधर जाएगा क्या होगा y इक्वल टू 5 माइनस 1050 डिवाइड बाई 55, दिस विल बिकम 1045 डिवाइड बाई 55, और ये कैंसिल होगा 19 टाइम्स, माइनस 19 विल बी योर द वैल्यू ऑफ y। सेम क्वेश्चन लास्ट वाला, पहले हमने SCF निकाला, उसको इस इक्वेशन के साथ एक्सप्रेस कर दिया और वहां से y की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन सर। नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द SCF ऑफ 48 एंड 18। यहां पर अब हमें एक्सप्रेस करना है, लास्ट दो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दिया हुआ था और हमें वहां सिंपल एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी थी। यहां पर क्या है, यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि दैट एक्सप्रेस द SCF ऑफ 48 एंड 18 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन।
अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर ये आता है कि दो नंबर का एचसीएफ को लीनियर कम्बिनेशन में एक्सप्रेस करो, या फिर लिखा हुआ हो 18x प्लस 48y या 48x प्लस 18y, ये हमारा लीनियर कम्बिनेशन होगा। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि भाई लास्ट क्वेश्चन में तो सिर्फ एक ही वेरिएबल था, यहाँ पर दो वेरिएबल कैसे आ गया? तो लास्ट दो क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है ना कि वहाँ पर जो लिखा था m और यहाँ वेरिएबल नहीं था, तो वहाँ पर इंटू वन होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, हमें पता नहीं कि वन आएगा नहीं आएगा लास्ट में, यहाँ पर इंटू वन होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं है। तो हमने इसलिए एज्यूम कर लिया है कि जो लीनियर कम्बिनेशन है वो एक एक्स वेरिएबल एज्यूम कर लिया एक नंबर के साथ, और दूसरे के साथ हमने वाई वेरिएबल एज्यूम कर लिया है। अब हम सॉल्व करके देखेंगे कि मेरी एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी। जो लीनियर कम्बिनेशन है वो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, या तो दिया होगा लीनियर कम्बिनेशन सिर्फ लिखा होगा, तो अपने मन से हम एक को x और दूसरे को y लेकर एज्यूम करके सॉल्व करेंगे, या तो क्वेश्चन में ये ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हमारा एचसीएफ एक्सप्रेस होना चाहिए। अगर ये नहीं लिखा है तो इसको हम इस फॉर्म में अपने मन से लिख लेंगे कि भाई एक x और एक y होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे और वैल्यू निकालेंगे कि x और y की वैल्यू क्या होगी। एक बात और, जो सॉल्व करके x और y की वैल्यू हम फाइंड करने वाले हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वही वैल्यू होगी, और दूसरी वैल्यू भी हो सकती है। इसका मतलब जो आंसर हमारा आएगा वो यूनिक आंसर नहीं होगा, x और y की वैल्यू और भी हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले HCF को एक्सप्रेस करना है तो पहले हम HCF फाइंड करते हैं, क्या होगा 48 इज ग्रेटर देन 18, तो पहले हम HCF निकाल देते हैं, पहले डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या करेंगे, 18 को 48 को डिवाइड किया जाए, कितने बार हो जाएगा, 2 टाइम्स हाउ मच 12, देन 1 टाइम 6, देन 2 टाइम 0। सो आवर HCF क्या आ गया हमारा, HCF आ गया हमारा 6। अब उस HCF को इस फॉर्म में एक्सप्रेस हमें कर देना है, लेकिन पहले क्या है, पहले हम यूक्लिड्स डिविजन लेमा जो होता है स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम, उसे हम यहां पर नोट कर लेंगे। क्या होगा, यूजिंग यूक्लिड्स डिविजन लेमा, शॉर्ट में लिख रहा हूं। पहला स्टेप में क्या आएगा, 48 इज इक्वल टू 18 इंटू 2 प्लस 12। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 18 इक्वल टू 12 इंटू 1 प्लस 6। अगेन नेक्स्ट स्टेप में 12 इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 0। तो थर्ड स्टेप में मेरा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। सो द एचसीएफ विल बी द डिवाइडर दैट इज 6। तो इस केस में मेरा एचसीएफ कितना आ गया, आवर एचसीएफ ऑफ 48 एंड 18 विल बिकम एज 6, ठीक है। अब ये HCF को हमें एक्सप्रेस करना है इस टर्म में, और उसके बाद हम x और y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ था सिंगल वेरिएबल में, यहाँ पर हमने दो क्यों लिया है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि इसके मल्टीपल में वन आएगा या फिर नहीं आएगा, तो इसलिए हमने एक में x और दूसरे में y ले लिया है, और ले लो शायद a और b कुछ भी दो वेरिएबल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा HCF है दैट इज 6, उसको एक्सप्रेस करेंगे हम 18x प्लस 48y के फॉर्म में, और अब यहाँ पर हम निकालेंगे वैल्यूज ऑफ x एंड y। लास्ट दो क्वेश्चन में सिंगल वेरिएबल था, यहाँ डबल वेरिएबल है, इसको हमें ध्यान से सॉल्व करना है, ठीक है। अभी के लिए ये हमने बना लिया है, जिसको नोट करना होगा ये नोट कर सकता है पॉज करके, अभी मैं इसके लिए इसको रब कर देता हूँ। नेक्स्ट, अब हमें एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस कैसे किया जाए। इस इक्वेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमें इस इक्वेशन का यूज करना होगा। अब ध्यान रखना कि 6 को इस एक्सप्रेशन में करना है, अभी है हमें x और y की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6 को एक्सप्रेस करना है हमें HCF का फॉर्म, HCF ये पता है। इस फॉर्म को लाने के लिए हमें 18 भी लाना पड़ेगा और 48 भी लाना पड़ेगा, कहाँ से, जो हमने स्टेप लिखा है वहाँ से लाना पड़ेगा, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ ये कि ये स्टेप, तीन स्टेप था मेरे पास, हमें नंबर दिखा दिया क्योंकि अभी इसको यूज़ करने वाले हैं। अब ये बताओ कि 18 और 48 हमें यहाँ से कैरी करना है, ठीक है।
तो 6 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन तीनों इक्वेशन में से क्या यूज किया जाए। अब देखो लास्ट इक्वेशन को अगर 6 को टर्म में लिखना होगा तो हमें वहां पर सिर्फ 12 और 2 मिल रहा है, एचसीएफ का मतलब जो वैल्यू नंबर था एक भी नहीं मिला उसके ऊपर। चलो 6 को एक्सप्रेस करेंगे तो 12 और 18 दो नंबर मिल रहा है वहां से, जिसमें से एक नंबर जो है 18 वो हमारा ये पार्ट था, तो हम क्या करेंगे उसमें से उसको उठा लेंगे। कैसे करेंगे ये बताओ, 6 की वैल्यू, 6 जो वैल्यू हमने लिखा है वो किसके इक्वल होगा, अगर 6 को छोड़कर 12 को हम ले जाए उस साइड तो क्या होगा 18 - 12 वो 6 के इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग 6 के जगह पर क्या लिख सकते हैं 18 - 12, हमें इस जो एक्सप्रेशन लिखना है उसमें 18 और 48 आना चाहिए, वो हम कहाँ से लाएंगे, वो हम इस इक्वेशन में से वहाँ पर कैरी करेंगे। तो 6 इक्वल टू क्या आएगा, अब 6 क्यों लिख रहे हैं क्योंकि एचसीएफ के फॉर्म में लिखना था, तो अब क्या आएगा 6 को छोड़कर इसको उधर ले जाओ क्या होगा 18 - 12 × 1 = 12। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर 6 की जगह पर 12 और 2 आएगा जो कि मेरा इन दोनों में कोई भी नंबर नहीं है, तो एक नंबर मुझे मिल गया। अब आगे 18 तो मुझे मिल गया, अगला नंबर क्या चाहिए, अगला नंबर मुझे 48 चाहिए। ठीक है, तो अब 48 कहाँ से मिलेगा, तो 48 मेरा इसको हमने यहाँ पर लिख लो कि यूजिंग इक्वेशन 1 48 हमें लाना है, 48 हमारा फर्स्ट इक्वेशन में है तो वहाँ पर किसको यूज़ किया जाए, तो यहाँ ध्यान दो कि यहाँ पर 12 में से 18 को हटा नहीं सकते हैं क्योंकि वो हमारा नंबर एक यहाँ पर चाहिए, 12 एक्स्ट्रा है तो 12 को यहाँ से रिमूव करना चाहिए। 12 की जगह पर क्या लिखाएगा, यहाँ ध्यान दो, अगर 12 की जगह पर लिखना क्या करेंगे 48, इसको ले जाएंगे उस साइड तो क्या हो जाएगा 48 - 18 × 2 आएगा 12 के इक्वल, तो क्या लिखेंगे 18 तो रहेगा अपने जगह पर जैसे था माइनस, जहाँ पर 12 है वहाँ पर क्या आएगा 48 - 18 × 2 इसे मल्टीप्लाई मत करना, अभी जैसे है ओपन वैसे ही रहेगा। अब इससे फायदा क्या हुआ, ये हमने इक्वेशन क्या बोल सकते हो यूजिंग इक्वेशन 1 और यहाँ कह सकते हैं हम लोग यूजिंग इक्वेशन ये इक्वेशन 2 से है और ये इक्वेशन 1 से आया है। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ कि इसमें मेरा 18 भी आ गया और 48 भी आ गया, दोनों आ गया ना, ये मेरे लिए फायदा है। अब क्या करेंगे इसको ओपन कर दो, ओपन करने पर क्या होगा, क्या होगा 18 माइनस, यहां पर दो टर्म है, एक 48 है और दूसरा टर्म ये वाला है, तो माइनस 48 और नेक्स्ट माइनस इंटू माइनस प्लस क्या आएगा 18 × 2। मैंने पहले बोला है कि इसको सॉल्व नहीं करेंगे, जैसे वैसे रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तीन टर्म है, पहला टर्म है 18, सेकंड वन इज -48 एंड थर्ड टर्म इज 18 × 2, ये एक टर्म है मल्टीपल में, तो इसमें से ये दोनों टर्म जो है उसमें 18 कॉमन आ रहा है, इसको साथ में ले लो 18 + 18 × 2 और -48, इन दोनों कॉमन क्या आया 18, क्या बच गया 1 + 2 -48, क्या आ गया 18 × 3, 1 + 2 क्या हो गया 3 -48। अब इसको जो मेरा इक्वेशन था उससे कंपेयर करो, 18 × x 18 × 3 मतलब x की वैल्यू मेरे पास 3 आ चुकी है, आगे +48 × y यहाँ माइनस है, इसको प्लस कैसे बनाएंगे, जब हम लोग यहाँ प्लस लिखकर क्या लिखेंगे, +48 है 48 लिख दो, माइनस कहाँ आएगा, माइनस के लिख लो इस तरह से, इक्वेशन तो सेम है ना, ये -48 क्या लिख लिया हमने 48 × -1। इस फायदा क्या हुआ कि 6 को हमने एक्सप्रेस कर लिया 18 × x + 48 × y, तो देयरफॉर हमें x की वैल्यू क्या मिल गई 3 और y की वैल्यू क्या मिल गई -1। तो इस इक्वेशन को एक्सप्रेस करने के लिए अगर x की वैल्यू 3 हो जाए और y की वैल्यू -1 हो जाए तो वो इसके इक्वल आ जाएगा, चाहो तो पुट करके यहाँ पर देख सकते हो 6 के इक्वल ही आएगा। अब बात ये है कि क्या सिर्फ 3 और -1 ही आएगा, और भी नंबर आ सकता है, ये x और y यहाँ लिख सकते हो, x एंड y आर नॉट यूनिक, यूनिक नहीं है, x और y के और भी वैल्यूज आ सकती हैं, एक ही वैल्यू नहीं होगा, तो यहाँ रखना ये बात कि x और y जो वैल्यू आता है वेरिएबल के आंसर वो हमारा यूनिक
नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होगा कि सिंपल सा, मैंने मुझे बोला था HCF को एक्सप्रेस करना है, HCF को एक्सप्रेस के पहले HCF निकाला, उसके बाद इस HCF को एक्सप्रेस करेंगे इस फॉर्म में, मतलब 18 और 48 हमें चाहिए। 18 48 कहाँ से आएगा, इस एक तीनों इक्वेशन को यूज़ करके हम लाएंगे। कैसे लाएंगे, 6 को एक्सप्रेस करना है, 6 के प्लेस पर हमने क्या पुट कर दिया, 18 माइनस 12, यह आ गया 18 का ज़रूरत था, 18 को रहने दिया हमने, 12 को रिप्लेस किया यहाँ से, 48 माइनस 18 इंटू 2 यहाँ आ गया, इसको ओपन किया और सॉल्व किया और बनाने की कोशिश किया इस फॉर्म में। फॉर्म बना कैसे, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू माइनस 1 आ गया। ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। नाउ आवर फोर्थ नंबर क्वेश्चन इज फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। यहाँ पर उसने बोला कि HCF निकालो, वैसे अगर HCF निकालना नहीं भी दिया होगा तो हमें HCF तो निकालना है, ये हमें पता है, बिना HCF निकाले हम तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ओके, फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225 एंड एक्सप्रेस इट एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ 135 एंड 225। HCF निकालना है और उस HCF को एक्सप्रेस करना है एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ, जिसमें ये दोनों नंबर आएगा। तो यहाँ पर पहले लीनियर कम्बिनेशन क्या है उसको हम एज्यूम करेंगे ना, ठीक है। ओके, तो क्या होगा कम्बिनेशन, क्या होगा कम्बिनेशन मेरा जो होगा HCF का, वो क्या होगा 135x प्लस 225y। अब उसने बोला था लीनियर कम्बिनेशन, तो लीनियर कम्बिनेशन उन दोनों नंबर का यूज़ करके x और y ले लिया हमने, तो जो भी x HCF आएगा उसको इसमें एक्सप्रेस करके हम x और y की वैल्यू वहाँ से फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है हमारा, और फर्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड द HCF। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज HCF फाइंड करते हैं हम लोग, क्या होगा 225 इज ग्रेटर देन 135, इसको डिवाइड करते हैं, क्या होगा 135 225 वन टाइम्स आएगा 135 और 90 देन अगेन 135 90 दैट इज 45 90 एंड जीरो। सो हमारा HCF जो आ गया वो क्या आ गया, HCF हमारा आ गया है 45, क्योंकि यहाँ लास्ट केस में रिमाइंडर जीरो था, इसलिए HCF क्या हो गया 45। तो ये क्लियर हो गया हमारा कि जो HCF था 135 और 225 का वो आ गया है 45। अब इस HCF को हम एक्सप्रेस करेंगे अपने इस लीनियर कम्बिनेशन के साथ, तो क्या होगा 45 इक्वल टू 135x प्लस 225y, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको एक्सप्रेस करना, अब हमें यहाँ से x और y के वाले पूछेंगे क्या होगा ताकि वो इसके कम्बिनेशन में फॉर्म हो जाए, तो हमें फाइंड करना है द वैल्यूज ऑफ x एंड y, लेकिन बिना इक्वेशन लिखे हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले जो हमारा यूक्लिड्स डिवीजन है उसका पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो अभी इसको फिलहाल रहने देते हैं और पहले लिख लेते हैं क्या, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। पहले स्टेप में क्या हुआ, 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। द सेकेंड स्टेप इज 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। द लास्ट स्टेप इज 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आया, इसलिए HCF क्या हो गया 45। ये हमारा HCF 45 आ चुका है। अब इस HCF को एक्सप्रेस करेंगे इस टर्म में, क्या होगा 45 इक्वल टू 135x प्लस 225y, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग इसको यहाँ से रब कर लेते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, अब इसे इसके फॉर्म में एक्सप्रेस करना, मतलब हमें बेसिकली x और y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। अब कैसे करेंगे, अब ध्यान दो कि जो 45 है उसको यहाँ से हमें 135 और 225 नंबर हमें चाहिए इस इक्वेशन से। कैसे आएगा, थर्ड इक्वेशन से क्या मिल पाएगा, थर्ड इक्वेशन से हमें इसके जगह पर सिर्फ 290 मिल रहा है, जो कि दोनों नंबर नहीं है, कुछ काम का नहीं है। उसके ऊपर चलते हैं सेकंड स्टेप में, 45 की जगह पर 135 और 90 मिल रहा है, जिसमें से एक नंबर जो है मेरा वो काम का है। तो लिख लो क्या होगा 45 की जगह पर, 135 माइनस 90, 135 माइनस यूजिंग
इक्वेशन टू, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन से हमने 45 को रिप्लेस कर दिया 135 माइनस 90 पे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 135 मिल गया, अब वो अपने जगह पर रहेगा, 135 माइनस 90 का हमें कुछ काम नहीं है, लेकिन हमें क्या चाहिए, सेकेंड नंबर 225, वो कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा हमें इक्वेशन नंबर 1 से। तो 90 की जगह पर हम 90 को रिप्लेस करेंगे कैसे, 225 माइनस 135 इंटू 1 मतलब माइनस 135, तो क्या आएगा ब्रैकेट में 225 माइनस 135। हमने क्यों लिखा है ब्रैकेट में, क्योंकि हमने 90 को रिप्लेस किया है, माइनस तो बाहर में था, 90 की जगह पर लिखा है हमने ये चीज़, इसलिए माइनस बाहर है, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं, 135 माइनस 225 प्लस 135। नेक्स्ट 135 यहाँ पर दो है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 135 इंटू 2 और ये क्या है, माइनस 225, ठीक है। अब इसके बाद हमें बनाना है इस फॉर्म में, तो 135 इंटू एक्स तो आ गया मेरा 2, प्लस क्या था 225 प्लस में था, तो यहां पर अगर प्लस लगाएंगे तो इंटू में क्या आएगा, माइनस 1, तो ये हमारा वो फॉर्म बन गया, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू माइनस 1, ये वहां पर पुट करने के बाद वो उस फॉर्म में बन जाएगा। और लास्ट बार दोनों यूनिक नहीं है, x एंड y आर नॉट यूनिक, दोनों यूनिक नहीं है, इसका कहने का मतलब क्या है, मैंने एक्सप्लेन किया था कि x और y और भी नंबर हो सकता है, कैसे अभी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, पहले ये समझ लो अच्छे से, इसी में मैं इसको थोड़ा चेंजिंग करके बताऊंगा कि वो आखिर यूनिक क्यों नहीं है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, मैंने क्या बोला था कि x और y यूनिक नहीं होगा, यूनिक नहीं का मतलब x और y और भी आंसर आ सकता है इस एक्सप्रेशन में, ठीक है। कैसे आएगा अभी मैं बताता हूँ, इतना तो पता है कि सेम सब कुछ होगा। अब क्या है, अब ध्यान दो, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पर 135 into 2 minus 225 इक्वेशन मेरे पास है, ये A45 के एक्सप्रेशन में है, मैं क्या अपने मन से कुछ प्लस माइनस कर सकता हूँ किसी इक्वेशन में, कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में सेम नंबर से प्लस और माइनस हम लोग कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहूँ 135 इंटू 225 प्लस कर दे, अगर प्लस किए हैं तो उसको माइनस भी कर लेंगे, ताकि मेरा इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहे, ये दोनों सेम नंबर है, हमने प्लस और माइनस किया, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हमने क्यों किया वो ध्यान दो, इस इक्वेशन में अब मेरे पास 4 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। 4 टर्म में अब ध्यान दो कि 135 इस टर्म को और इस टर्म में से हम 135 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से मिलेगा 2 और यहाँ से मिलेगा प्लस 225। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये टर्म जो है, ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, कॉमन लेंगे हम लोग 225 को, क्योंकि उसी एक्सप्रेशन में हमें सॉल्व करना है। तो क्या करो, प्लस 225 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस 1, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस 135। सेम इक्वेशन में हमने इस दोनों के प्रोडक्ट को प्लस माइनस कर दिया, उसके बाद क्या किया, इस टर्म और इस टर्म में से दोनों में से 135 कॉमन लिया, तो 2 प्लस 225 दैट इज 220, ये प्लस होगा अभी, और इसमें से 225 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, माइनस 1 और माइनस 135। तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर बन गया 135 इंटू दिस वन 227, और यहाँ पर क्या बन गया 225 इंटू माइनस 136। क्या ये इस फॉर्म में नहीं है जो हमें एक्सप्रेस करना था, इस फॉर्म में था ना, आ रहा है। इस केस में x की वैल्यू क्या आ गई, 227, और y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 136। मैं वही कह रहा था, सेम एक्सप्रेशन में हमारा x इक्वल टू कुछ और वैल्यू आया था xy की, और अगेन वैल्यू चेंज कर गया,
तो इसलिए इसका जो आंसर x और y का वो यूनिक नहीं है। यूनिक का मतलब एक ही वैल्यू आएगा, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आएगा। तो यहाँ हमने शो कर दिया कि और भी वैल्यूज आएंगी, उसी इक्वेशन में हमने शो कर दिया। इसी को बोलते हैं दैट द वेरिएबल्स आर नॉट, द वैल्यूज आर नॉट यूनिक। तो इस तरह के क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे। तो हमने दो टाइप क्वेश्चन किया, पहले फर्स्ट दो क्वेश्चन में एक सिंगल वेरिएबल था, यहाँ पर हमने लीनियर कॉम्बिनेशन जब भी आएगा तो दो वेरिएबल लेकर बनाएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे ये क्लियर हो गया। तो आज का क्लास यहाँ पर हम लोग आज का लेक्चर जो यहाँ पर खत्म करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है हो गया, वो फिनिश हो गया है, ठीक है। अब हमारा जो सेकेंड चैप्टर है वो है पॉलीनोमियल्स, जो कि स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, और जो भी क्वेश्चंस होगा अब एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन जितना मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसके बेसिस पे बन जाएगा। हाँ, एक तरह का और क्वेश्चन है जैसे आता है व्हाट प्रॉब्लम क्वेश्चंस, वो एक क्लास में मैं डिस्कस कर दूंगा और व्हाट प्रॉब्लम्स। बाकी इसके अलावा और भी इस चैप्टर से कुछ नहीं आने वाला है, जो इतना मैक्सिमम आ सकता है क्वेश्चन वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये फर्स्ट लेक्चर हमारा रियल नंबर्स का फिनिश हो गया। सो इफ यू लाइक आवर फर्स्ट चैप्टर और टुडेज लेक्चर, प्लीज़ लाइक subscribe, share our channel and don't forget to hit the bell icon so that we will get the notification of the next lecture. So thank you for today.